YouTube चैनल का प्रोफाइल पिक्चर कैसे बनाया जाता है, तो आज मैं आपको YouTube चैनल का जो लोगो होता है हमारे चैनल का ऊपर जो दिखाता है, इस लोगो को कैसे बनाते हैं, तो आज मैं आपको एक YouTube चैनल का प्रोफाइल पिक्चर बना के दिखाने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ऐसे YouTube रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, अभी मैं आ चुका हूँ मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, और आपको आना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर टाइप करना है पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप आपको यहाँ पर टाइप करना है, और देखिए यहाँ पर मेरा ओपन दिख रहा है, ये मेरा मोबाइल पर ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपका ये इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। तो देखिए मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, कौन सा तरीका शॉर्टकट है ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही शॉर्टकट तरीक़ों से सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अभी आपको न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, दो बार डबल टैप करना है, और यहाँ पर आपका जो चैनल का नाम है ये आपको डालना है। तो देखिए मेरे जो चैनल का नाम है ये है एंटर विग, तो मैं पहले ई को डाल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके बड़ा कर लूँगा। और अभी मैं इसका जो लेटर का जो स्टाइल है इसको चेंज करूँगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर जहाँ पर ए लिखा हुआ है इस पर आना है, और आपको जाना है फॉन्ट पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टाइल मिलेगा, आपको जो अच्छा लगता है ये आप ले लीजिए। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं एक फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ से, देखिए ये मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसको मैं अभी बड़ा कर दूँगा। और आपको मैं शॉर्टकट तरीक़ों से सिखा रहा हूँ। अभी मैं इसका ऊपर कलर चाहिए, तो देखिए यहाँ पर कलर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं एक कलर डाल देता हूँ, इसको रेड ले लेता हूँ, और इसको यहाँ पर देखिए ये ओके का, इसको ओके पर क्लिक करना है, इसका जो कलर है ये अभी सेट हो चुका है। तो देखिए अभी ये दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको आपको ऐसे स्क्रॉल कर यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर देखिए स्ट्रोक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको अनेबल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर पाएंगे जो कलर आपको चाहिए, तो मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ, ब्लैक में अच्छा दिखता है, और इसको ओके करना है, ओके आप यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर ओके करना है। इसके बाद फिर से मैं टेक्स्ट पर जाऊंगा, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट पर जाऊंगा फिर से, और इसको डबल टैप करना है, और इसको मैं ऐसे ही सेट कर देता हूँ, देखिए आपको वो जिस तरह करना है, और इसको भी इसके साइड में बॉर्डर दे देता हूँ। तो इसके लिए आपको फिर से जाना होगा स्ट्रोक के ऊपर, यहाँ पर देखिए स्ट्रोक पर आपको आना है, इसको अनेबल कर देना है, देखिए ये अभी दिखने में अच्छा दिख रहा है, और भी अच्छा दिखेगा। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर अगर आप शेडो डाल देते हो, यहाँ पर देखिए शेडो है, शेडो पर आपको क्लिक करना है और इसको अनेबल कर देना है, देखिए ये बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, इसके ऊपर आना है, इसको अनेबल करना है और ओके पर क्लिक करना है। तो अभी जो मेरे चैनल का नाम है ये मैं पूरा डाल दूंगा, देखिए फिर से आपको टेक्स्ट पर आना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और इसके ऊपर डबल टैप करना है, और मेरा जो चैनल का नाम है ये मैं डाल देता हूँ, देखिए ओके ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए ये जो मेरा चैनल है इसका नाम यहाँ पर रख देता हूँ, और इसका
फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा, इसलिए आपको स्क्रॉल करके आपको एक चीज़ समझना है, जो भी आपका टाइपिंग का जो भी है वो आपको यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है इसके ऊपर है। तो अभी मैं फ़ॉन्ट को चेंज करूँगा, फ़ॉन्ट पर आता हूँ और इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर पाएंगे और ओके पर क्लिक करना है। देखिए इसका जो फ़ॉन्ट है ये अभी चेंज हो चुका है, इसको भी मैं स्ट्रोक पर जाकर उसका भी बॉर्डर दे दूंगा। यहाँ पर आना है, इसको अनेबल कर देना है। देखिए दोस्तों इसको जब मैं ऑफ़ करता हूँ देखिए ये किस तरह दिख रहा है, और जब इसको अनेबल करता हूँ देखिए ये किस तरह दिख रहा है। देखिए अभी ये दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसको ओके पर क्लिक करता हूँ। और शेडो भी आप देना चाहते हो तो इस पर आप शेडो डाल सकते हो। यहाँ पर देखिए बहुत सारा कलर है शेडो का, आप इसे भी डाल सकते हो। तो मैं इसको रेड ही रहने देता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। देखिए अभी जो मेरा चैनल का नाम है ये बनकर पूरा रेडी हो चुका है। अभी चाहो तो आप इसका जो बैकग्राउंड है ये भी आप दे सकते हो, तो ये काम बाद में करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसका ऊपर अगर और भी कोई आपको डिज़ाइन करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आना है, तो मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, आपको यहाँ पर आना है और आप यहाँ पर देख पाएंगे शेप लिखा हुआ है, यहाँ जो शेप लिखा हुआ है शेप के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारा डिज़ाइन मिलेगा देखने को, तो मैं यहाँ से ये वाला डिज़ाइन जो है इसे मैं ले लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये अभी आ चुका है, ये जो शेडो है इसका कलर भी आप चाहो तो चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कलर पर आना है और इसको अनेबल कर देना है। देखो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, किस लिए, पहले ए का दिखाया है, अभी मैं दूसरा पार्ट का दिखा रहा हूँ आपको समझने के लिए। नहीं इसका ये मैच नहीं हो रहा है, मैं येलो डाल देता हूँ और ये अभी इसके ऊपर चला गया है, इसको भी आप नीचे कर पाएंगे, इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ। देखिए इसको नीचे ले जाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, टू बैक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये पीछे चला गया है अभी, और इसका जो साइड में जो बॉर्डर देते हैं मैं ये डाल देता हूँ इसके ऊपर और ब्लैक कलर डाल देता हूँ। देखिए अभी ये दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसे यहाँ पर ही रहने देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये अभी बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में। तो देखिए मेरे भाई अभी आपको दूसरा नंबर पर यहाँ पर जो है इस पर आना है और यहाँ से शेप को यहाँ पर जो शेप दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है और मैं राउंड ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोफाइल पिक्चर होता है ये इसी टाइप का होता है राउंड, तो मैं इसे ले लेता हूँ। और इसका कलर भी आप चेंज कर पाएंगे, यहाँ पर देखिए नीचे आना है आपको, यहाँ पर कलर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जो भी कलर आप देना चाहते हो ये आप दे पाएंगे। तो देखिए मैं अभी फ़िलहाल ये कलर ले लेता हूँ और आपको फिर से नीचे आना है, इसका जो बॉर्डर है ये भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए
जितना बड़ा आपको चाहिए आप ये ले सकते हैं और ओके पर क्लिक करना है। तो देखिए अभी मेरा जो प्रोफाइल पिक्चर है ये बनकर रेडी हो चुका है, आपको सिर्फ टू बैक पर क्लिक करना है। ये देखिए अभी ये बनकर पूरा रेडी हो चुका है। अभी आप ये अगर प्रोफाइल पर सेट करना चाहते हो तो इसका जो साइड का जो पार्ट है ये भी चला जाएगा, ये वाला पार्ट। तो इसको कैसे हटाए, इसको हटाने के लिए देखिए ये हिल रहा है। अगर आप किसी भी जगह पर इसको पूरा सेट कर देंगे तो ये नहीं हिलेगा। इसके लिए आपको जिसको ये मैं पहले बताना चाहिए था, ये मैं भूल गया था। तो इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको आना है, यहाँ जो दिख रहा है ये लेयर कहते हैं, इसको लेयर के ऊपर आना है, इसको लॉक कर देना है। देखिए मैं सभी लॉक कर देता हूँ तो ये नहीं हिलेगा। अभी देखिए ये नहीं हिलेगा। तो अभी आपको जाना है ये जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आना है, ये जो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर आना है। मैं आप लोगों को एक साइड से दिखा रहा हूँ आपको समझने के लिए। और आपको यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है ये बनकर पूरा रेडी हो चुका है और आपको ये सेव करना है। तो ऊपर देखिए यहाँ पर मेमोरी जैसा दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सेव एस जो दो नंबर का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसे क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्लिक करना है और अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो अल्ट्रा लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने से जो पिक्चर क्वालिटी है ये अच्छा आएगा। इस पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए तो अभी जो मेरा प्रोफाइल है ये बनकर पूरा रेडी हो चुका है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ऐसे ही शॉर्टकट वीडियो में लाता रहता हूँ।